अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर्स की बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेबर्स को डिफाइन किया, फिर हमने थोड़ा सा रोल देखा किसका, एमपीएफ का। आज हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर्स की बात करेंगे, इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। तो जॉर्जे विद अलुस्मान, तो हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ लेबर्स की बात करेंगे हम। थोड़ा साथ दीजिएगा बातें, आज टॉपिक थोड़ा शॉर्ट रखूंगा मैं। और नेक्स्ट जो है, मैंने आपके लिए असाइनमेंट लगाई थी मंडे के लिए, तो मंडे आपको कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा। मंडे आपने जो आपको असाइनमेंट जिन्हें लगाई गई है जो है, वो आपने रिटर्न फॉर्म में अगर आप उसकी पिक हैंड पे भेजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि आपने खुद उसकी हैंड राइटिंग की होगी, डायग्राम खुद बनाई होगी, इसके अंदर वो जो है ज्यादा उसका पॉजिटिव रिजल्ट भेज दिए होगा। तो उसको हैंड राइट करें, जो स्पेशली म्यूसिस जो है उसको आप फोकस करें ज्यादा, एज कम्पेयर टू माइटोसिस जो है। तो म्यूसिस उसके फर्दर स्टेजेस पर जो इसके डिप्रोटीन जाइगोटीन मैगनीटीन डिप्रोटीन लायर कैंसिल वगैरह जो है उसको राइट ऑन करें। और उसको क्या करें जो है उसकी सर्विंग फॉर्म में लिखकर उसकी पिक खींचे, और जो है विद नेम जो है, जैसे आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं आप सेंड कर दीजिएगा, वहाँ एडमिन को सेंड कीजिएगा, नेक्स्ट मंथ से रिसीव करके आपकी जो है जिन जिन बच्चों के मेरे पास अटेंडेंस आ जाएगी, तो मैं पेपर उन बच्चों के नेम और उनकी जो है एब्सेंट या प्रेजेंट लगा के वो शीट भी आपको शेयर कर दूंगा, जिन जिन बच्चों के पास ग्रेड लगा के मेरे पास असाइनमेंट क्या है पहुंच जाएगी। तो साथ के साथ आप कोशिश करें कि अपने लेक्चर साथ के साथ याद करें, बहुत थोड़ी सी मुश्किल है हमारी, तो अगर आप इसको स्किप किया तो नेक्स्ट लास्ट में बहुत डिफिकल्टी होगी। जस्ट से हमें सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है इसको, ये आपका फोल एंड फाइनल टाइम है। इसके बाद जैसे ही आपके दो सेमेस्टर बच चुके हैं, मिस्टर सेवन सेमेस्टर है, उसके बाद आप लोग मास्टर काउंट किए जाएंगे, मास्टर जो है मास्टर इन जूलॉजी एमएससी काउंट की जाएगी आपकी। तो इट मीन्स उसके बाद जो लोगों की स्टूडेंट्स की तोका होगी वो आपसे बहुत बढ़ जाएगी। उसके बाद ये जो सीखनेस करने का बल बहुत कम हो जाएगा एम फील्ड में, बहुत कम, एक साल तो आपका 10-30 दिन बहुत रहना एम फील्ड में, बहुत कम चांस मिलेगा। ये लास्ट टू सेमेस्टर बचे हैं आपके, इसके बाद मैक्सिमम जो है चीजें वो कवर करें, नेक्स्ट भी आपकी चीजें क्या आएंगी काम आएंगी। चले बरान मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज की बात करती हैं। तो हमने देखा था कि क्लीवेज के अंदर जो अर्ली कुछ डिवीजन थी वो बड़ी रैपिड थी, वो क्या थी, बहुत ज्यादा फास्ट। और उसके अंदर मैंने बताया था कि वो बाइफेजिक थी, बाइफेजिक मीन उसमें दो फेज थे, कौन कौन से बताए थे उसमें, एम एंड एस फेज, ये दो फेजेस थे ना हमने, एम फेज था उसके अंदर, कौन सा फेज था, एस फेज। तो एस इट मीन इंटरफेज था, सिर्फ एक ही फेज था, तो कौन सा था, एस फेज। एम फेज क्या था, उसमें जो है सेकंड फेज था। तो अगर आप एक सिंपल सोमैटिक सेल की बात करते हैं, तो एक सिंपल सोमैटिक सेल में जब माइटोसिस चलती है तो इंटरफेज में एस फेज के अलावा आपको G1 G2 बाद G0 फेज मिलता है। लेकिन क्लीवेज के अर्ली स्टार्ट में जब सेल डिवीजन बहुत फास्ट होती है वो बाइफेजिक होता है, उसमें सिर्फ एस फेज होता है और क्या होता है, एम फेज, बाकी फेजेस क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। बस इसी बात पर ऊपर से आज हमारी ज्यादा डिटेल में बात होगी, ऐसा क्यों है G1 या G2 फेज क्यों नहीं होता, इसी बात हमारा हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ वो सेल जो डिफरेंशिएटिंग हो जाते हैं, डिफरेंशिएट जो अब उसको फर्दर डिवीजन की जरूरत नहीं है, वो स्पेसिफाई हो चुकी है, अब उन्हें जो है फर्दर उसको मजीद हमने डिवाइड नहीं करवाना, वो सेल सेल साइकिल से टेकन आउट, क्योंकि आप लोग सेल साइकिल की डायग्राम बनाते हैं तो आप उसको सीक्वेंस के साथ बनाते हैं, ये इस तरह करके ऐसे है, ये ऐसे करके ले रहे हो। लेकिन वो सेल जो डिफरेंशिएट हो जाएंगे उनको आप क्या करेंगे, सेल साइकिल से टेकन आउट कर देंगे, वो जी नॉट फेज में चले जाते हैं, बाकी सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो जितना भी सेल साइकिल में जितने भी फेजेस हैं उसको कंट्रोल करती है साइकिल, कंट्रोल करती है साइकिल बी। एमपीएफ के दो फैक्टर बताए थे मैंने, माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर के, एक साइकिल बी और एक सीडीके, सीडीसी2 या सीडीके साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेज है, जिसे डेरिवेटिव भी है, ये सीडी जो है सीडू या सीडीके साइक्लिन इंडिपेंडेंट काइनेज है। तो मेन रिस्पॉन्सिबल कौन सा साइक्लिन है, एक डायग्राम भी बनी हुई ऊपर जो है, तो उसमें बता रहा है कि डिफरेंट टाइप की साइक्लिन इन्वॉल्व है, G1 फेज से G2 फेज, S फेज से इसमें M फेज के अंदर, तो मेन रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है कौन सा है, साइक्लिन है। तो हम बात करेंगे रोल ऑफ साइक्लिन बी एंड सी डी
के की बात करेंगे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है। तो एमपीएफ दोबारा भी बात कर रहे हैं, दो फैक्टर हैं, साइक्लिन बी है ये लार्ज सबयूनिट होता है एमपीएफ का, और कौन सा है सीडीए ये क्या होता है स्मॉल सबयूनिट होता है। साइक्लिन बी जैसे ही एस फेज आता है तो साइक्लिन बी एक्युमुलेट होता है, मैंने बताया था कि सीडीके या सीडीसी2 ये अकेले एक्टिव नहीं होते, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, साइक्लिन बी के साथ क्या होगी जब तक अटैच नहीं होगी, तो आपका जो कौन सा फैक्टर है सीडीके या सीडीसी2 इसके साथ जब तक क्या नहीं अटैच होगी, जब तक इसके साथ क्या नहीं अटैच होगी साइक्लिन बी, यानी डाइजेस्टर साइक्लिन बी ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो सीडीसी2 या सीडीके को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए साइक्लिन बी चाहिए। तो साइक्लिन बी जो है एस फेज में बनना शुरू होती है, जैसे ये बनेगी सीडीके क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा, एस फेज से किसमें आ जाएगा ये एम फेज में। नेक्स्ट बार गौर करें, जैसे एस फेज से एम फेज में आएंगे तो एम फेज के अंदर साइक्लिन बी डिग्रेडेड हो जाती है। नेक्स्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम भी दिखाई थी आपको, उसमें मैंने मेंशन किया था कि जो है एस फेज में जो है साइक्लिन बी बनी थी सेंथेसिस ऑफ साइक्लिन बी, वहां एरो लगी हुई साइड से जो है एरो लगा के हमने बताया था सेंथेसिस ऑफ साइक्लिन बी, ये साइक्लिन बी ब्रिज चला था तो यहां से एरो लगाई हुई थी डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन बी, अगर उस लेक्चर को तैयार किया तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। इट मींस कि सेंथेसाइज किया जाता है, सेंथेसाइज किया जाता है, इस टॉपिक पर फोकस कीजिएगा। और जैसे ही ऐसे एम फेज में आएंगे तो क्या कर जाता है डिग्रेड कर जाता है। क्लियर हुआ इसका, आगे चलते हैं। सेकंड बी इनकोडेड बाय मैसेंजर आरएनए ओवरसाइट साइटोप्लाज्म, इट मींस ओवरसाइट का ज्यादा रोल है, वो कहते हैं ना मैसेंजर आरएनए डोमिनेंसी, ओवरसाइट में इसका ज्यादा रोल है एज कंपेयर टू स्पर्म जो है, क्योंकि जो सेकंड बी को सेंथेसाइज करने वाले जो जीनोम हैं वो किसके पास पाए जाते हैं ओवरसाइट के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, कंपोनेंट जो है। नेक्स्ट बात करते हैं, साइक्लिन बी एक्टिवेट करता है किसको सीडीसी2 को, सीडीसी2 इसका क्या रोल है, इसका बड़ा अहम रोल है, क्या रोल है ये जो सीडीसी2 है ये क्या करता है फास्फोरिलेशन करता है, हिस्टोन प्रोटीन की फास्फोरिलेशन कर देगा, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएंगे, मायोसिन की फास्फोरिलेशन कर देगा, वो क्या बनाना शुरू कर देगी स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू हो जाएंगे, कंट्रक्शन शुरू हो जाएगी वगैरह वगैरह, जब तक एंजाइम की फास्फोरिलेशन नहीं होगी या प्रोटीन की वो एक्टिव फॉर्म में चेंज नहीं होगी, तो तमाम प्रोटीन की जो फास्फोरिलेशन करता है वो कौन करता है सीडीसी2, और ये उस वक्त एक्टिवेट नहीं होगा जब तक इसके साथ साइक्लिन बी अटैच नहीं होगा। क्लियर हुआ, नेक्स्ट चलते हैं साइक्लिन बी इटसेल्फ, अब जरा बात को सुनिएगा, साइक्लिन बी इटसेल्फ किसके कंट्रोल है सेवरल अदर प्रोटीन के, उन्हें हम कहते हैं साइक्लिन बी रेगुलेटर, प्रोटीन को साइक्लिन बी रेगुलेटर, इट मींस के साइक्लिन बी सीडीसी2 को कंट्रोल करनी है जबकि साइक्लिन बी को भी कंट्रोल करने वाली कंपोनेंट है वो कौन सी है रेगुलेटर है, साइक्लिन बी रेगुलेटर जो साइक्लिन बी की सिंथेसिस को क्या करती है कंट्रोल करती है। नेक्स्ट करते हैं रेगुलेटर प्रेजेंट इन एक्स साइटोप्लाज्म, बड़ी यहां बात की उसने यहां पर कि जो रेगुलेटर है वो कहां पे मौजूद है एक साइटोप्लाज्म में मौजूद है। अब अर्ली जैसे अर्ली सेल साइकिल स्टार्ट हुआ उस वक्त मैंने बताया था कम मौजूद थी मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, क्या थी वो टर्म कि जब माइटोसिस शुरू होती है, माइटोसिस शुरू होती है या क्लीवेज क्या होता है स्टार्ट होती है, शुरू की जो सेल डिवीजन थी बहुत ज्यादा फास्ट थी 10-11 बताता बड़ी जल्दी से हो जाती है, उसके बाद सेल डिवीजन क्या हो जाती है स्लो हो जाती है, क्यों स्लो हो जाती है जीनोम की जो है वो जो जीनोम असर और क्या होता है शामिल हो जाता है। अब देखें शुरू में अब कंट्रोल किसने करना था साइक्लिन बी ने, साइक्लिन बी के रेगुलेटर हैं शुरू में वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, तो साइक्लिन बी के रेगुलेटर एज साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं तो हमें उस मैसेंजर आरएनए की जरूरत ही नहीं है, या हमें जो क्या है भी वो जो जीनोम है उस जायगोट का जो डीएनए है उसकी हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि एग के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी मैसेंजर आरएनए पड़े हुए हैं, तो उससे वो साइक्लिन बी की सिंथेसिस क्या है होती जा रही है, इसलिए शुरू में सेल डिवीजन फास्ट होती है और जो जायगोट है उसके जीनोम की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट करते हैं वेल मेजूजा, अब मैंने बताया था साइक्लिन बी सिंथेसाइज भी होती है डिग्रेडेड भी होती है, एक बार सिंथेसाइज हुई एक सेल बन गया दूसरी बार तीसरी बार जब 10-12 सेल डिवीजन हो जाती है
ये जो लैमिनेटर है ये सारे के सारे इस्तेमाल हो जाएंगे सेक्शन बी बनाने में। सेक्शन बी बाद में क्या हो जाएगी, जैसे ही ऐसे एमसीएस में आएगी डिग्रेड हो जाएगी। अब बताएं आप क्या करें भी हम, अब सेल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर सेल करता क्या है, सेल जीनोम यूज करता है, वो जो जायगोट का अपना डीएनए ना उससे कहता है कि अब साइटोप्लाज्म में सेक्शन बी के रेगुलेटर खत्म हो गए हैं, मैसेंजर आरएनए यूज अप हो गए हैं, अब अपना डीएनए इस्तेमाल करें और क्या बना देते हैं हमें जो है रेगुलेटर बना देते हैं जो सेक्शन बी की सिंथेसिस को क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे। जैसे ही आपके जायगोट का जीनोम की जीनोम इन्वॉल्व होगा हम कहेंगे ये कौन सी स्टेज आ गई है, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, क्योंकि न्यूक्लियस बिगन टू सिंथेसाइज, न्यूक्लियस ने मैसेंजर आरएनए या न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो गया है स्टार्ट हो गया, ये 10-15 मिनट के बाद शुरू हो जाता है, फिर मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन आ जाती है। अब डिलीवरी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, शुरू में बहुत फास्ट होती है। अब जो जायगोट का न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व हो गया है तो नेक्स्ट देखते हैं क्या चेंजेस आती है 2 मिनट के बाद, जैसे 3 चेंजेस देखेंगे हम। फर्स्ट चेंज क्या है, ग्रोथ स्टेज G1 एंड G2 आर एंड 10-12 पोस्ट पीरियड होनी है। उस वक्त तो साइटोप्लाज्म में जो था ना, जो क्या है साइटोप्लाज्म से जल आने पड़े थे उनसे रेगुलेटर बनते रहे और सेल भी बनती रही है, सेल साइकिल चलता है, नहीं वो चलती रही 10-12। उसके बाद जैसे ही वो डिग्रेडेड हो जाती है या वो सिंजर आने खत्म हो गई है, अब तो जो है डीएनए इन्वॉल्व होगा इसका जायगोट का, तो उससे जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी हम कहेंगे मिड ब्लास्टुला ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो चुकी है। फिर कुछ चेंजिंग आएंगे, शुरू की 10-12 लेविच डिफरेंट होगी नेक्स्ट लेविच से, कैसे डिफरेंट होगी, एक तो G1 और G2 फेजेस क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा अब देखिए एग का साइटोप्लाज्म शुरू में सेम रहा है, साइटोप्लाज्म या एग का टोटल वॉल्यूम सेम रहा है, कैसे सेम रहा है, नई चीज तो कोई बने नहीं थी पहले 10-12 लेवल में, हुआ क्या था साइटोप्लाज्म का टोटल वॉल्यूम है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड सिंपल जो है सिंपलिसिटी, यानी पहले तो बड़ी तरतीब से चली थी, अब कोई सेल जल्दी डॉट होगा कोई लेट, उनके दरमियान जो सिंक्रोनाइजेशन है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी। थर्ड वन न्यू मैसेंजर आने का वहां शुरू हो जाएगा, ट्रांस वहां शुरू हो जाएगा, अब जीनोम इन्वॉल्व हो गया है और नैनो प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी, और ये प्रोटीन वो प्रोटीन है जो गैस्ट्रोलेशन के लिए जरूरी है, अगर मिड ट्रांजिशन में नहीं आती तो इसका मतलब है वो प्रोटीन भी नहीं बनेगी जो गैस्ट्रोलेशन के लिए जरूरी है, तो आपका सेल ब्लास्टुला में ही कैप्चर रहेगा, वो जो है वो क्या है गैस्ट्रोला या गैस्ट्रोलेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। आई थिंक आपकी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इससे अगला एक टॉपिक है हमारा जो है जो हम वो साइटोकिनेसिस करते हैं, जो सेल की तकसीम है कैरियोकिनेसिस, न्यूक्लियस की डिवीजन और साइटोकिनेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है उसकी बात करेंगे, तो वो मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज का वो थर्ड लेक्चर में क्या बचेगा वो काउंट होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, और मंडे आपने अपनी जो है असाइनमेंट जो है लास्ट में क्या कर देनी है सेंड कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।